आईपीएल से पहले बदल गया टीम का कप्तान, एक चोट ने मचा दी केकेआर के खेमे में खलबली, टूर्नामेंट से पहले ही फ्रेंचाइजी को लगा बड़ा झटका। आईपीएल 2023 के शुरू होने में अब हफ्ते भर का समय बाकी रह गया है, लेकिन इससे पहले ही कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी को एक बड़ा झटका लगा है। जहां पिछले ये खबर आई थी कि पिछले साल केकेआर के कप्तान नियुक्त किए गए श्रेयस अय्यर आगामी सीजन आईपीएल के ज्यादातर मुकाबले खेलते नजर नहीं आएंगे, वहीं पर अब श्रेयस अय्यर पूरे आईपीएल सीजन से ही बाहर हो चुके हैं और अब केकेआर को पूरे सीजन के लिए एक नए कप्तान का ऐलान करना होगा। आपको बता दें, बॉर्डर गावस्कर सीरीज के चौथे मुकाबले के दौरान श्रेयस ने पीठ में तकलीफ की शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद उनका स्कैन किया गया और फिर मेडिकल टीम से आई रिपोर्ट के बाद उन्हें न केवल चौथे मुकाबले से बाहर किया गया बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से भी वो बाहर हो गए थे, जिसके बाद अब आईपीएल 2023 में भी श्रेयस अय्यर मैदान पर नजर नहीं आएंगे। रिपोर्ट की माने तो श्रेयस अय्यर इस साल का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने फिलहाल पीठ की सर्जरी कराने की प्लानिंग को भी स्थगित कर दिया है। दरअसल श्रेयस के डॉक्टर ने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि वो किसी तरह वर्ल्ड कप खेलने के लिए फिट हो जाएंगे, लेकिन अभी सर्जरी कराने के बाद अय्यर को कम से कम 5 से 6 महीने के लिए क्रिकेट से दूर रहना पड़ सकता है। इसी एक कारण से अय्यर ने पूरे आईपीएल में आराम करने का फैसला किया है। श्रेयस के इस कदम के चलते केकेआर को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब फ्रेंचाइजी को न केवल एक खिलाड़ी का नुकसान हुआ है बल्कि एक कप्तान के रूप में भी उन्हें अब एक नया नाम तलाशना होगा। वैसे केकेआर की कप्तानी के लिए अनुभवी आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और युवा बल्लेबाज नितेश राणा का नाम फिलहाल आगे चल रहा है। इसके अलावा बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन कप्तानी की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन शाकिब के साथ समस्या उनकी मौजूदगी को लेकर हो सकता है, क्योंकि शाकिब और उनके साथी खिलाड़ी लेटन दास को फिलहाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से एनओसी नहीं मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ बांग्लादेश को 3 T20 और 1 Test match की सीरीज खेलनी है। इसी वजह से शाकिब और लेटन दोनों ही केकेआर के लिए शुरुआती मुकाबले मिस करते नजर आएंगे, जिसकी वजह से शाकिब को कप्तान बनाना एक मुश्किल फैसला होगा। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी और मैनेजमेंट के लिए श्रेयस अय्यर का ना होना एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा वो नाम होगा जो आईपीएल 2023 में श्रेयस अय्यर की गैर हाजिरी में केकेआर की कमान संभालते नजर आएगा। वैसे आपके मुताबिक कोलकाता नाइट राइडर्स को श्रेयस अय्यर की जगह किसे कप्तानी का जिम्मा सौंपना चाहिए, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।